महंगी शादी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। ये एक ऐसा फैशन है जो गरीब परिवार के लोगों को दिन ब दिन निगलता ही जा रहा है। चंदन जी जैसे लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हमने ये तय किया है कि हम इन्हें सजा नहीं देंगे। हम इस बुराई को ही समाज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। करिश्मा मैडम, ये दांतो हसीन मैडम की तरफ जा रहा हूँ, आप कुछ कीजिए वरना आप हार जाएगी गारंटी के साथ। हाँ मैडम, अगर आप हार गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, सारी जमा पूंजी हमारी डूब जाएगी। जमा पूंजी डूब जाएगी मतलब? मतलब पैसे डूब जाएंगे। ऐसे कंटाप लगा दूंगी ना। दूंगी? ऐसे करिश्मा मैडम बोलेगी ना। हमें टोपा हो क्या? ये कैसे सोच लिया कि हम हार जाएंगे? ये तो टीवी पे हमने पूरी गैंग को पकड़ने का प्लान बना लिया है। मैं भी महंगी शादियों के खिलाफ हूँ और उन्हें रोकने के लिए आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होंगे। कुछ भी कहो, लहंगा बहुत सुंदर है। हाँ हाँ है तो, लेकिन बहुत महंगा है लहंगा। सुना है 40 लाख का है। हाँ, हाँ। अरे भाई जल्दी चलो, मेहमानों का आना शुरू हो गया है, बहुत सारे काम बाकी है। मामा जी, मामी कहाँ है? अरे यही गई होगी, देख लो आप, जगह ही नहीं है सामान तक रखने के लिए। आप तो घर के हैं, ऊपर रखिए सामान और आइए हेल्प करिए। अरे वो कैटरर्स वाले ने अभी तक लड्डू नहीं भेजे। लिस्ट है तुम्हारे पास, मंगा लो प्लीज। कम ऑन नरेश जी। हेलो, आपको मैंने मैसेज की थी लिस्ट, आप मैनेज कीजिए। ओके सर जी, आप टेंशन फ्री रहिए, मैं सब मैनेज कर लूंगा। नाइस, कम ऑन। पापा पापा, मेरी शादी लखनऊ की सबसे शानदार शादी होने वाली है ना? ऑफ कोर्स यस बेटा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती थी। तुम्हें पता है शादी की स्टेज और मंडप के डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स मैंने जापान से मंगवाए, और वो देखो वहाँ झूमर और लाइट शो लगेगा। एंड ये आर्टिफिशियल स्काई एंड स्टार्स होंगे जो मैंने सिंगापुर से ऑर्डर किए। और तुम्हें पता है पूजा के लिए जो केले के पत्ते लगेंगे ना, वो भी मैंने थाईलैंड से ऑर्डर किए। वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज पापा। रुको बेटा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। क्या? मेरी बेटी की विदाई के लिए दुनिया की नंबर वन कार बुक की है, रोल्स रॉयस। वाओ पापा, आपने तो मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। और आपको पता है मेरी शादी लखनऊ की सबसे यादगार शादी होने वाली है। तिलक जी नमस्ते, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं, हमें SHO हसीना मल्लिक जी, आपको कौन नहीं जानता है मैडम। आपके DSP साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आपके बहुत ही बड़े फैन, हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेटी की शादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी। वैसे हमने सुना तो था कि आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, लेकिन ये सजावट और तैयारियां देखकर तो लग रहा है कि आपने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है। हमारी एक ही बेटी है, सारे अरमान पूरे कर रहे हैं हम। देखिए आपके पास पैसे हैं इसलिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको देखकर बाकी सभी लोगों में शो ऑफ और वो स्टेटस सिंबल दिखाने का दबाव बढ़ता है। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए क्या है कि तिलक जी, आप शहर के सम्मानित लोगों में से एक हैं, रोल मॉडल हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको कॉपी भी करते हैं। हमें लगता है कि शादी में आप इतना ज्यादा खर्चा करके समाज में कहीं ना कहीं एक गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई या आपके भाई जैसे जो लोग हैं उन सब पर खामखा हैसियत से ज्यादा खर्च करने का दबाव बढ़ता है, बर्बाद हो जाएंगे सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे पापा का कंपेयर चंदन अंकल से करना बंद कीजिए। और रही बात खर्च की, तो जिसकी जितनी औकात है वो उतना खर्च करे, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। देखो तुम बात, देखिए मैडम आप मेरी बात सुनिए, आप कहाँ ये चंदन जैसे लूजर्स की बातों पे ध्यान देती हैं। अरे ऐसे लोगों का तो काम ही होता है अपने से ज्यादा कामयाब लोगों की हर बात पे कमी निकालना। और आप भी अपने समाज सेवा का झंडा नीचे रखिए और ड्यूटी का डंडा उठाइए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ब्यूटीफुल ना, अनिश कपाड़िया ने डिजाइन किया है, टॉप डिजाइनर ऑफ द कंट्री।
40 लाख का पड़ा ये लहंगा। बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये हमें क्यों दिखा रही हैं? ताकि आप जैसे होनार ऑफिसर इसे सुरक्षित रख सके। क्या ये लहंगा जलाओ गैंग के बारे में आपको पता है ना, जो हर महंगी शादी में दुल्हन के लहंगे को जलाते हैं? अब इस शहर में हमारी बेटी की शादी से ज्यादा महंगी शादी आपको कहाँ मिलेगी। इसलिए वो लोग कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लहंगे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए अब से इस लहंगे की जिम्मेदारी आपकी। पापा, अगर उन्होंने मेरे लहंगे को कुछ भी किया ना तो आई एम टेलिंग यू, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। हसीना जी है ना? देखिए, लहंगे के सुरक्षा की जिम्मेदारी देने से बेहतर होगा अगर आप इस बात को समझे जो हम आपसे कह रहे हैं। मैडम, ये शादी का घर है तो गौर करने से अच्छा है मैं कुछ और कर लेता हूँ। और आप भी ये प्रवचन देने की बजाय कुछ और कर लीजिए। अब आप लोगों के होते हुए इस शहर में कोई गैंग दुल्हनों के लहंगे जला रहा है तो गलती किसकी? पुलिस की ना। तो अब इस लहंगे को प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस? मैं अभी डीएसपी साहब से बात कर लेता हूँ। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके इस लहंगे को महफूज रखेंगे। थैंक यू पापा। हमारे पीठ पे छुरा किसने मारा? क्या? किधर? दिखाइए। क्या बात कर रही है? दिखाइए। कहाँ? दिखाइए। छुरा तो है नहीं, शायद मच्छर वच्छर ने काटा होगा। क्या कहीं से भी घुस जाते तो हो जाता। मच्छर नहीं, सांप है जो हमारे आस्तीन पे बैठ के हमको ही डस रहा है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी भड़क रही हैं? हमने ये गैंग वालों को बोला था कि हम ये गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिखा था हाँ, लेकिन किसी ने इसके ऊपर जाके लिख दिया कि ये पुलिस का जाल है। कौन है ये? ए बाप रे, कौन है ये? किसने लिखा कि ये पुलिस का जाल है? ओहो, लोग कुछ भी कर देते हैं ऐसे। तो फिर आपके सारे किए पर पानी फेर दिया किसी ने। जब ये बात सिर्फ हम लोगों को पता था तो ये बात बाहर कहां से गया? ये किसने लिखा है? मैडम, आपने हमको ऐसे मत घूरिए। ऐसे घूरिएगा तो जो गलती हम नहीं किए ना उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम ही किए हैं। मैडम, ये गलती हम सपना में भी करने का नहीं सोच सकते। संतु जी भी यही मानती हैं। मगर संतु तो गाजियाबाद में है। लेकिन उनका मन तो हमारे पास है ना, उनको वापस कर देंगे उनको। सांप है ना वो अपना केचुल छोड़ गया है। देखिए अपना राइटिंग छोड़ गया है वो। हाँ पुष्पा जी, खत लिखिए हमारे लिए। हम खत लिखिए हमारे लिए। हाँ लिखते हैं, वैसे भी रोज इतने हजारों रिपोर्ट्स भी तो लिखते हैं हम। पेन कहाँ गया? क्या हुआ माँ? माँ का खून, माँ का खून, माँ का खून! एम्बुलेंस, एम्बुलेंस! हमें चक्कर आ रहे। रुकना रे, कर लीजिए जितना ड्रामा करना है सबको कर लीजिए। लेकिन अगर हमें पता चला कि आस्तीन का सांप कोई और नहीं आप है पुष्पा जी, तो हम आपको नागिन डांस करवाएंगे और ये वादा है हमारा। फोन तो देख रही हूँ मैडम। जैन मैडम साहब। जैन करिश्मा सिंह। देखिए चीता को लेकर आपको तिलक जी के घर आना होगा। काहे का हो गया मैडम से? मतलब आपके अकेले के मनाने से नहीं माने कि अब आपको फोर्स का जरूरत पड़ेगा शादी रुकवाने के लिए? करिश्मा सिंह, आप यहाँ शादी रोकने के लिए नहीं आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि तिलक जी की बेटी के लहंगे को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। इससे पहले कि लहंगा जलाओ गैंग उस लहंगे तक पहुँचे हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। कमाल का बात है मैडम सर, मानना पड़ेगा आपके जज्बाती तरीके को। वहाँ आप गई थी महंगी शादी को सस्ता करवाने, अब आपने लहंगे को संभालने का काम भी ले लिया। ठीक है मैडम सर, आते हैं। मैडम सर ने एक काम तो अच्छा कर दिया है, अब ये लहंगा का सिक्योरिटी ही लहंगा जलाओ गैंग को पकड़वाएगी, और पकड़ेंगे तो हम ही अपने भौकाल से। हमें कुछ भी करके इन्हें समझाना होगा
कि महंगी शादी और ये दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई तो होगा इस घर में जो हमारी बात समझेगा। कंटिन्यू करते हैं। तिलक जी। हाँ चार्ली जी। What is this? मैंने आपसे कहा था मुझे रिहर्सल के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पे डिस्टरबेंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये कोई पार्क है क्या कि कोई भी टहलते हुए आ रहा है जा रहा है? देखिए तिलक जी, आई एम चार्जिंग फॉर योर फैमिली। आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा इस डांसिंग एरिया में मुझे और कोई नहीं चाहिए, दैट्स इट। मिस्टर चार्ली, ये भी हमारे फंक्शन का एक हिस्सा है, तो शादी तक तो ये यहीं रहेंगे। गॉड या व्हाटएवर। हाँ कंटिन्यू करते हैं। नानी, ये बॉलीवुड का टॉप कोरियोग्राफर है, 20 लाख और चार्टर्ड प्लेन की टिकट दी है तब तो आया ये। 20 लाख में ये? मुंबई से आया है तो आपको मालूम है ना इनके नखरे होते हैं। आप बुरा मत मानिए, आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बोल दीजिएगा, हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। मैडम कॉफी। ओह थैंक यू, शुक्रिया। ओके ओके वेरी नाइस। 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तिलक जी, निशा ने जो संगीत में लाइटिंग और स्पेशल इफेक्ट के लिए बोला है उसके लिए 10 लाख अलग से लगेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू। नो प्रॉब्लम, आपका पेमेंट हो जाएगा। देख रही है मैडम, 30 लाख सिर्फ नाच गाना और संगीत की लाइटिंग के लिए। मैडम कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप लेंगे की सिक्योरिटी करते ही रह जाएं। एक काम कीजिए चंदन जी, आप लड़की के मामा और फूफा को लेकर आइए, हमें उनसे बात करनी है। जी। हम महिला पुलिस थाने से हैं, SHO हसीना मलिक, हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। देखिए दरअसल आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तिलक जी इतनी महंगी शादी करके गलती कर रहे हैं? मतलब इस महंगी शादी की वजह से आसपास के लोगों में, समाज में कितना प्रेशर बढ़ता है। हमें तो सब पता है मैडम, लेकिन अपने घर की बात है, कर ही क्या सकते हैं। देखिए क्या है कि इस शादी से तिलक जी के छोटे भाई चंदन जी वो भी बहुत परेशान हैं। चंदन को तो अपनी बेटी की शादी का प्रेशर होगा, हम साले की बेटी की शादी में ही बर्बाद हो गए। हम कुछ समझे नहीं। मैडम हम अकाउंटेंट हैं, हमारे परिवार में 4 लोग हैं और इस शादी में फंक्शन है 7, और हर एक फंक्शन के लिए अलग ड्रेस सिलवाने में 4 लाख रुपए घुस गए, और अलग से गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। अब इतनी महंगी शादी है तो गिफ्ट भी सस्ते नहीं दे सकते, बहुत बुरा हाल है मैडम। हमारा तो इनसे भी बुरा हाल है मैडम, हमारी तो 3-3 बेटियां हैं, उन्हें इस शादी में लाने के लिए जो खर्चा किया हमने, मेकअप कपड़ा ज्वेलरी, उससे तो हमारा बैलेंस एकदम जीरो हो गया मैडम। हम तो यहाँ आप लोगों से मदद मांगने आए थे, लेकिन आप तो खुद इस महंगी शादी के विक्टिम हैं। मामा जी फूफा जी आप सब कहाँ हैं? जल्दी आइए। थैंक यू पापा, थैंक यू। अरे बेटा क्यों चिल्ला रहे थे आप? मामा जी फूफा जी आपको पता है सिंगर मनी सिंह फाइनल हो गया है। अरे वाह, वेरी गुड। देख रही ना मैडम, अब मुझे अपनी बेटी की शादी में भी एक महंगा सिंगर बुलवाना पड़ेगा, कुछ कीजिए मैडम, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, प्लीज। करिश्मा मैडम तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, वो चिता खड़ा है, उससे काम था बस नहीं। हाँ यार चीतेश्वर भाई, क्या काम था तुमको? आप पहले अपना काम कीजिए, मेरा काम पर्सनल का बात। बताओ, लहंगा एक है और ध्यान देने वाले 2 लोग, वही भी कोई बात होता है क्या? सुनो चीते, हम मैडम आप कुछ बोले चाहे ना बोले मैडम, हम अपने कान का पर्दा ना हमेशा 24 घंटा साफ करके आपका बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है तो फिर हम घर जाते हैं, तुम ध्यान दो, तुम्हारा नजर जो है वो लहंगे पे होना चाहिए, तुम्हारा नजर हटना नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा दिमाग। मैडम आगे का धमकी ना हम एकदम जुबान पे कंठा से याद, आप टेंशन मत दीजिए मैडम, जाइए आराम से, हम है ना, हम है, हमारे रहते क्या टेंशन यार। चितेश्वर भाई क्या बोला? 500 का खुला है, तभी बोले कहाँ से भाई निकल रहा है तुम्हारा। दे दो ना प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। चल हमारे पास भी खुला है, हमको निकालना ही था खुला। दे दो दे दो। चितेश्वर भाई ले, 1, 2, 3, 4 5 500, थैंक यू। थैंक यू क्या? क्या हुआ? थैंक यू क्या?
नोट नहीं दोगे 500 का हमको वापस? 500 के नोट में अटके हो? मेरी बात को नोट करो, या आपका ध्यान इधर उधर लहंगे पे 500 के नोट पे जा रहा है ना, इसीलिए सनी बाजी मार रहा है। सनी बाजी मार रहा है मतलब? ये काला चश्मा पहन के हम चोरी करने नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। और पार्टी कौन दे रहा है? सनी चट्टा। उसका न्यूज का चैनल जो है ना, उसका टीआरपी एकदम हाई हो गया, इसलिए पार्टी दे रहा है। और पार्टी में खास मेहमान कौन है? कौन है? संतोष जी। संतोष जी कैसे मजाक कर रहे हैं क्या यार? तो गाजियाबाद में अभी? नहीं नहीं, संतोष जी को खास करके सनी चड्डा ने बुलाया पार्टी के लिए, और संतोष जी आ रही पार्टी के लिए, हम तो एंजॉय करेंगे। काला चश्मा आप अपना देख लो, काला चश्मा। संतोष जी गाजियाबाद से वापिस आ गई, हमको बताई भी नहीं। हम उनको फोन किए तो कह रही है कि हम घर पर बैठकर बोर हो रहे हैं, यहाँ पर सनिया के साथ पार्टी का प्लानिंग है उनका। संतोष जी को कुछ भी करके ना रोकना पड़ेगा। फोन तो उठाइए संतोष जी, फोन तो उठाइए हमारा। क्या करे क्या करे, कैसा धर्म संकट में फंसा दिए प्रभु, क्या बचाए? लव बचाए कि लहंगा? पुष्पा जी को कॉल करते हैं। The number you are trying to reach is out of coverage area. बहुत बेहतरीन बाबू चेतेश्वर चतुर्वेदी, बस ऐसे ही 5 मिनट तुम बैठे रहो, हम अपना प्यार को बचा कर आते हैं। ध्यान रखना तुम, ऑल द बेस्ट। ताला नहीं लगा हुआ, इसका मतलब बिलोटा सच बोल रहा था। हाँ सनी, मैं बस चेंज करके आती हूँ। तुझे अब गाजियाबाद से आ गई और हमको बताई भी नहीं। सॉरी संतोष जी, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं। जब तक ये ताला खुलेगा तब तक सनिया के किस्मत का ताला हम खुद ही बंद कर देंगे। सनिया, आई लव यू संतोष जी। बस बेटा चेतेश्वर चतुर्वेदी, तुम तो बवाल आदमी हो बे। अबे का कर दिए तुम, कितना बेहतरीन तरीके से निगरानी रखी लहंगा का। लहंगा गया, नौकरी गई चेतेश्वर चतुर्वेदी। चेतेश्वर नाम के एक लापरवाह कांस्टेबल की वजह से इस शहर में एक और लहंगा चोरी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट आखिर कब तक ऐसे नाकारा लोगों की लापरवाही को सहन करता रहेगा। चलिए तब तक बात करते हैं तिलक जी से और पूछते हैं इस वारदात के बारे में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कौन सा कांस्टेबल काबिल है और कौन कौन सा नहीं, ये SHO को पता होना चाहिए। पापा पापा, लहंगा नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। चीता चतुर्वेदी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आप रात भर ड्यूटी पर थे तो फिर लहंगा चोरी कैसे हो गया? हमने आपसे पहले ही कहा था, हमें लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, यू आर सस्पेंडेड। रुक जाइए मैडम सर, चीते को सस्पेंड करने का जरूरत नहीं है, लहंगा ये रहा। करिश्मा सिंह जी, आपको ये लहंगा कहाँ से मिला? लहंगा मिला नहीं है, हम लहंगा जलाओ गैंग से छीन के लेकर आए हैं। गैंग हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो भी बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। जैसा कि आपने देखा, ये है महिला पुलिस थाना की दबंग और दिलेर दरोगा करिश्मा सिंह। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
हमारे शहर को करिश्मा सिंह जैसी ऑफिसर्स की जरूरत है जो एक्शन ज्यादा ले और ज्ञान कम दे। आई थिंक करिश्मा सिंह जैसी दरोगा को ही थाने का इंचार्ज होना चाहिए। शी इज द बेस्ट। तो जैसे जैसे लोगों के मन में करिश्मा सिंह के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है वैसे ही इनके वोट की तादाद भी काफी बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। हम अपना गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है मैडम सर। हमको प्लीज माफ कर दीजिए मैडम सर। ठीक है, इस बार हम माफ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो हमें मजबूरन तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। क्लियर? जय मैडम सर। हाँ हाँ पुष्पा जी, क्या हुआ? आपका काम हो गया। जब हम निशा की शादी में गाने वाले मनी सिंह से बात करने के लिए गए ना, तो पहले तो वो मना कर रहा था, मगर जब जब हमने महंगी शादी के नुकसान गिनवाए ना, तब वो मान गया। तब उसने कहा कि अब वो इस शादी में बिल्कुल नहीं गाएगा, बल्कि वो तो ये कह रहा था कि इस शादी में क्या, वो अब किसी भी शादी में नहीं गाएगा। चलो कम से कम किसी एक को तो हमारी बात समझ में आई। जी क्या क्या हुआ मैडम सर? शहर में एक और बहुत बड़ी शादी होने वाली है, सबसे बड़ी। न्यूज में आया है इस शादी में लगभग 7 हाथी घोड़े, हेलीकॉप्टर, 7 स्टार प्रॉपर्टीज की बुकिंग और बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं। मतलब हमारी ड्यूटी बढ़ने वाली है। किसी का ड्यूटी नहीं बढ़ेगा मैडम सर, क्योंकि लहंगा जलाओ गैंग को हम पकड़ने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बाद जिसका मर्जी जैसा होगा ना, वो वैसा शादी करेगा। कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं मतलब इसके पहले भी आप कोशिश कर चुकी है ना पुष्पा जी? एक बात आपके समझ के ऊपर का आपको समझाएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। वो जो लहंगा जलाओ गैंग लहंगा लेके भागी है ना, वो असली नहीं है, वो नकली है। वो क्या है, हमने पहले ही असली की जगह नकली लहंगा रख दिया था, और जो नकली लहंगा वो लेकर भागे हैं उसमें हमने लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था। इसका मतलब वो जहां भी जाएंगे हमें बिना बताए तो कहीं नहीं जाएंगे, हमें पता चलता रहेगा। इसलिए मैडम सर आप अपना हार का तैयारी कर लीजिए। गई भैंस पानी। पूरे का पूरा भैंस पानी में उतर गई। सॉरी भैंस। हसीना मैडम हमें बचा लीजिए, आपने हमें लहंगा जलाने से रोका था, अब हमें बर्बाद होने से रोक लीजिए प्लीज। एक मिनट चंदन जी रिलैक्स, आप पानी पीजिए, आप प्लीज पहले शांत हो जाइए, शांत होकर बताइए क्या हुआ है। अब बताइए। वही जो नहीं होना चाहिए था, पहले निशा बिटिया की शादी में मनी सिंह आने वाला था, अब नहीं आ रहा है। हाँ तो हमने ही मनी सिंह से बात की थी, हम ही ने उसे समझाया था कि जब उसके जैसे सेलिब्रिटी किसी महंगी शादी में जाते हैं तो आम जनता पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वो नहीं आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मैडम आपने हमारे ऊपर प्रेशर कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है। कैसे? मनी सिंह निशा बिटिया की शादी में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी जगह बीटीएस नाम का एक बहुत बड़ा सिंगर फॉरेन से आ रहा है मैडम, कोरिया से। और अब हमारी बेटी जो पहले सस्ते सिंगर पर तैयार थी, अब उसका कहना है कि उसकी शादी में भी एक बड़ा और स्टार सिंगर चाहिए। अच्छा ठीक है आप प्लीज निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। संभाल के। ये क्या मुसीबत है। ओके पुष्पा जी जय हिंद। देखिए ये महंगी शादी की बीमारी को रोकने का हमारे पास एक प्लान है, अब सुनिए करना क्या है। क्लियर? जी मैडम सर। ओके कहाँ भाग रहे हो तुम? आ गई। नाटक करना है ना। क्या चीते तुम हर वक्त से अखबार पढ़ते रहते हो। अखबार कैसे पढ़ते रहते हो मतलब? अरे अखबार पढ़ के आगे पीछे देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चलता है। हैं? शहर में कौन महंगा शादी हो रहा है, शहर में कौन छोटा शादी हो रहा है, इस सब के बारे में पता चलता है। अब क्या बताएं आपको, हमको ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग शहर के सबसे बड़ा घर में सबसे महंगा वाला जो लहंगा है उसका सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद से ना हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि शहर का जो सबसे बड़ा शादी है वही नहीं है। शहर का सबसे बड़ा शादी कर रहे हैं कौन पूछिए? कौन? हीरा चंद जी।
आपको पता है अपनी बेटी के लिए कितने कितने रुपए का वो लहंगा लेकर आए हैं? कितने? सोचिए, 11 करोड़ का। 11 करोड़? दिखा दिखा देखिए देखिए। अच्छा हाँ चीते, सच कह रहे हो तुम। अरे मगर वो शादी तो 7 सितारा होटल में है और हम तो देखो। वैसे ये घर बहुत ही छोटा है नहीं? हाँ बिल्कुल छोटा है पुष्पा जी। और इतना ही नहीं, आपको पता है हीराचंद जी का काम मानना है? हीराचंद जी ऐसा मानते हैं कि जो बिटिया सब होती है ना वो घर आंगन की चिड़िया होती है। बस बस, घर आंगन का चिड़िया होती है सब। तो अपनी बिटिया को विदा करने के लिए पता है वो क्या किए हैं? क्या? अरे हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। हेलीकॉप्टर? हाँ हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर खरीदने की। हमारी बेटी का जो विदाई होगा ना वो हेलीकॉप्टर में होगा। हमारी बेटी हमारे आंगन से उड़ते हुए विदा होकर जाएगी। बाप रे बाप। म्यूजिक गाने बजाने का भी तो देखो ना, ऐसा नहीं कि किसी एक गायक को बुलाया है, दुनिया के अलग अलग 5 बड़े बड़े बैंड्स को बुलाया है। बाप रे। हाँ, ताकि हर कोई अपनी पसंद का गाना सुन सके। तो बरातियों को विदाई के लिए पता है वो लोग क्या दे रहे हैं? या बराती के विदाई के लिए हर एक आदमी को 5-5 सोना का सिक्का और 1-1 SUV गाड़ी। मगर असली मजा तो बाद में आएगा। कैसे? हाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े VIP लोग भी तो आने वाले है ना, उस हिसाब से तो ये शादी बहुत ही टुच्ची। थर्ड क्लास भाई। हाँ हम थर्ड क्लास उसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है तो सस्ता ही ना। पुष्पा जी, हमको ना बड़ा इसे बुरा फील हो रहा है। पुष्पा जी क्यों बताइए ना, कुछ सोचिए पुष्पा जी, हमारा किस्मत कितना ज्यादा खराब है। हीरा चंद जी अपनी बेटी के लिए 11 करोड़ का लहंगा लेकर आए हैं। 11 करोड़ का लहंगा छोड़कर यहाँ पर लहंगा का रखवाली कर रहे हैं। बताइए किस्मत इतना ज्यादा खराब है ना पुष्पा जी। आप लोग क्या बात कर रहे थे? ये कुछ कह रही थी। मैंने सब सुन लिया है। सुन लिया? देखिए आप निशा जी, ये सारा जो कुछ भी हम बोल रहे थे ना, ये सब हम अपना मन से नहीं बोल रहे थे। न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ था ना वही सब पढ़ रहे थे। अरे वैसे एक मिनट चीते, वैसे भी आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लहंगा जलाओ गैंग वाले लोग आपके यहाँ थोड़ी ना आएंगे सस्ता वाला लहंगा जलाने के लिए। वो तो जाएंगे हीरा चंद जी की बेटी का महंगा वाला लहंगा जलाने के लिए ना। पापा, मैंने सोचा था कि मेरी शादी लखनऊ की सबसे यादगार शादी होगी, लेकिन ये तो एक मामूली सी शादी लग रही है। सारे VIP लोग तो हीरा चंद जी की बेटी की शादी में जा रहे हैं, अब मेरी शादी में कौन आएगा? पापा, शादी तो एक ही बार होती है ना जीवन में। अगर वो शादी भी ठीक ठाक नहीं हुई तो फिर इस धन दौलत का क्या फायदा? पापा, मेरे लल्ला को ही दे। पापा, लल्ला, वो ट्रैक पर नहीं जाना है ना। हाँ, ना। हाँ। पापा, अगर मेरी शादी उनकी शादी से बड़ी नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। ए, बेटा, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, मैं जल्द ही पैसे वाला आदमी बनने वाला हूँ। बस इलेक्शन का रिजल्ट आना देर है, 2 घंटे में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और मैं 100% श्योर हूँ करिश्मा मैडम ही जीतेगी। और मैंने करिश्मा मैडम पे पैसे लगाए हैं। करिश्मा मैडम जैसे ही जीतेगी मैं माला माल हो जाऊंगा, पैसों वाला हो जाऊंगा। मैं दोनों को फ्री में सलाह दे रहा हूँ, आप भी करिश्मा मैडम पे पैसे लगाओ, तुम भी माला माल हो जाओगे, तुम्हारे पास भी पैसा आएगा। पैसा, सुन, पैसा। सुन सुन, कल रात में जो तुम 500 रुपया हमारा जीते हो ना, चुपचाप वही दे दो, हम उसी में पार्टी कर लेंगे। हम वही शौक नहीं है सट्टा उट्टा खेलने का। कल का 500 में कौन सा? कौन सा? मत कर, मत कर। 500 रुपए कल रात में दिए थे। पुष्पा जी, हमसे पैसा लेकर भूल जाता है। माँ, ये भरमा गया है, अकल नहीं इसको। लेकिन आपको तो अकल है, आप होशियार है, एक जिम्मेदार है, आप पैसा लगाओ। अच्छा, इसमें अकल नहीं है और ये पुलिस है। देखिए, तुम में बहुत ज्यादा अकल है इसलिए तुम चोर हो। हाँ, इसलिए माँ मैं चोर था, अभी नहीं, अभी ठीक से बताओ, ठीक से बताओ। अभी नहीं, अभी नहीं। माँ, आपके मार से डर नहीं लगता, आपके तानों के मार से डर लगता है। माँ, मारिए इसको, फिर मारिए। पैसे लगाओ माँ, पैसे लगाओ। पगला गए हो तुम? कुछ भी करता है। चीता, हमें वो किशन नगर वाली फाइल निकाल कर दो। जी मैडम। अरे इससे छुटकारा पाएंगे, पैसे मिलेंगे। करिश्मा मैडम जीत गई। बस ना रे, बस ना, बोलने देना उनको। मैं कुछ समझा नहीं। देखो करिश्मा मैडम जीत गई तो सदमे में है। बोलने देगा। बिल्लू, आप कहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहां से शुरू करूं, लेकिन एक बात तो है कि आज मैं आपसे माफी मांगने भी आया हूं और आपका
शुक्रिया अदा करने भी आया हूँ। उस दिन आपने हमें समझाने की कितनी कोशिश की कि एक महंगी शादी से न जाने कितने माँ बाप पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हम आपकी बात समझ नहीं पाए मैडम। हमने पैसे के गुरूर ने अपने ही भाई को लोजर कहा, लेकिन आज जब हीराचंद अपनी बेटी की शादी में हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, जो कि मेरी औकात से बाहर, और मेरी बेटी जिद कर रही है कि हमें उससे ज्यादा खर्चा करना है, तब हमें समझ में आया मैडम, असली लूजर मेरा भाई नहीं है, बल्कि ये महंगी शादी वाला सिस्टम है जिसमें हर किसी के लिए परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैडम मैडम आज मेरे भाई के मुंह से बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और खुशी से भर गया है। हमने तो फैसला कर लिया मैडम कि हम अपनी बेटी की शादी साधारण तरीके से ही करेंगे और पूरे शहर में ऐलान भी कर देंगे कि शादी तो साधारण तरीके से ही होनी चाहिए। बहुत बढ़िया तिलक जी, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि देर से ही सही आपको हमारी बात तो समझ में आई। और सच बात तो ये है कि हीराचंद नाम के ना ही कोई सेठ हैं और ना ही उनकी बेटी की कोई शादी होने वाली है। दरअसल ये झूठी खबर हमने ही टीवी और न्यूज में फैलाई थी ताकि हम आपको ये बात समझा सके कि आपके किए का दूसरों पर क्या असर होता है, जो कि आपको समझ में आ गया। मैडम सच कहता हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना तो ये समस्या हमें समझ में ही नहीं आती। तिलक जी क्या है ना कि दिखावे की कभी कोई सीमा नहीं होती। मैडम सर एक मिनट सनी आया है। चंडलवा 24 घंटे यही रहता है क्या? चुप करो ना सनी, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मैडम सर अब कहिए। तिलक जी दिखावे की कभी कोई सीमा नहीं होती, कभी कोई अंत होता ही नहीं। इस दुनिया में इस देश में हर जगह कभी ना कभी कोई ना कोई होगा ही जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, लेकिन इस अंधी दौड़ में समाज इतना तेजी से दौड़ रहा है कि हम कई बार अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमें बहुत खुशी है कि आज आप दोनों भाई साथ हैं और साथ में इस महंगी शादी की बीमारी के खिलाफ हैं। तिलक जी आपके अंदर महंगी शादियों को लेकर बदलाव कैसे आया? अरे ये सब तो हसीना मैडम की वजह से हुआ है, और इन्होंने हमें जिस तरीके से समझाया है उसकी जितनी तारीफ करे वो कम है। और मैं आपके माध्यम से सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगा, महंगी शादी है एक बुराई, इससे दूर रहो मेरे भाई। हसीना मैडम की वजह से ना सिर्फ समाज की एक बुराई का अंत हुआ है, बल्कि मुझे मेरा भाई भी वापस मिल गया है। और मैडम सर आपको और आपकी पूरी टीम के लिए ये तो बनता है। अच्छा मैडम जी अब हम चलते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा हसीना मलिक की कोशिशों की वजह से समाज में बदलाव आने लगा है, और यही बदलाव वोटिंग में भी देखने को मिल रहा है। वो लगातार वोट्स की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। हे बाप रे, मैडम सर के बढ़ते हुए वोट देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। इलेक्शन का रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। करिश्मा मैडम ने अपना भावकाल नहीं दिखाया तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। अरे बिल्लू सपने तो मेरे टूट गए यार। कल रात को इतनी बड़ी पार्टी रखी थी संतू जी के लिए और संतू जी नहीं आई। संतू जी आज भी दिख नहीं रही है कहीं। आई चले कुत्ते। क्या अब क्या 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 कर रहा है? उधर देख हसीना मैडम के वोट ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे जैसे हसीना मैडम के वोट नहीं बसंत के धन्य हो। चुप हो जा दूसरे की आवाज में बात करने वाले इंसान। अगर करिश्मा मैडम हार गई ना तो धन्नो की इज्जत तो बच जाएगी लेकिन हमारे धन्नो लूट जाएगी। हाँ धन्नो मतलब हमारा धन लूट जाएगा। हाँ। हमारा धन करिश्मा मैडम की जीत पे लगा हुआ है। अरे तुम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर शांत हो जाओ यार, इतना परेशान बैठा हूँ मैं यहाँ। तुम परेशान क्यों बैठे हो? संतू जी तो मैं हूँ तुम। क्या भाव चल रहा है? करिश्मा मैडम 75 रुपए, हसीना मैडम 20 रुपए। तो बोल करिश्मा मैडम कितना भाव लगाओ? करिश्मा सिंह नहीं
हसीना मलिक 500 रुपए। मैडम सर 500 रुपए। अरे इसको ब्रेक कर दो। अबे 400 है ये। ठीक है 400 तो 400। अरे यार बाजार बदल रहा है, आर्थिक मंदिर का हमारा दौर शुरू होने वाला, हम बर्बाद होने वाले हैं। अरे क्या यार कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, पता नहीं करिश्मा सिंह नाम है उनका, करिश्मा सिंह नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते हैं, इतनी आसानी से नहीं हारेंगी वो। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करिश्मा सिंह लहंगा जलाओ गैंग को पकड़ के लाई है। करिश्मा सिंह के वोट्स तो पहले भी लगातार बढ़ रहे, लेकिन आज जो कारनामा उन्होंने किया है उसके बाद उनके वोट्स की रफ्तार और तेजी से बढ़ने वाली है। तो करिश्मा सिंह, आपने इस गैंग को कैसे पकड़ा और कहां से पकड़ा? जी कंटोपा हटाइए अपना। जी कंटोपा हटाइए अपना। तो सब आपकी एज का है सब। बोलिए। हमने जो भी किया है हमें उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम सब महंगी शादी की कुरीति के पीड़ित लोग हैं, इसलिए हमने जो कुछ भी किया है समाज की भलाई के लिए किया है। महंगी शादी कुरीति है और कंटोपा पहन के जो सबके लहंगे जला रहे थे वो बड़ा रीत है तुम्हारा? हाँ खत्म हो गया तुम्हारा ये नौटंकी, आज के बाद ये नौटंकी नहीं होना चाहिए, समझे? मैडम हमें आपने नहीं पकड़ा है, क्योंकि आपके लोकेशन ट्रैकर के बारे में तो हमें पहले से ही पता था। हम तो जानबूझकर इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि हसीना मैडम ने लोगों को महंगी शादी की बुराई का एहसास दिला दिया है। और हमें लगता है कि हसीना मैडम का रास्ता बेहतर है हमारे रास्ते से। हम समाज में लहंगे जलाकर भय का भौकाल दिखाकर बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन हसीना मैडम ने प्यार और हमदर्दी फैलाकर वो बदलाव ला दिया है। हसीना मैडम जिंदाबाद, हसीना मैडम जिंदाबाद, हसीना मैडम जिंदाबाद। फिर भी वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह। का रे पेट्रोल पी के मानेगा क्या तुम? ये केस तो पूरी तरीके से पलट चुका है, हसीना मलिक का जादू साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आप लोग वोटिंग जारी रखिएगा और हमें बताइएगा कि आप चाहते क्या है, भौकाल या फिर जज्बात? कभी हसीना मलिक तो कभी करिश्मा सिंह, कभी ये आगे तो कभी वो आगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुकाबले को जीतेगा कौन। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अब बचे हैं इस मुकाबले के आखिरी 20 मिनट। हमको तो लगता है मैच टाई हो जाएगा। मैच है? बाप रे। इलेक्शन है ना? जानी अभी भी समय बाकी है, समझे? लेकिन बहुत कम समय बाकी है, क्यों नहीं समझते? मैडम कोई वोट नहीं कर रहा है, खाली अब 30 सेकंड बचा हुआ है, मैडम सोचिए ना। एक वोट चाहिए बस करिश्मा मैडम को जीतने के लिए, मैं जीत जाऊंगा। ए, ए भाकड़ बिल्लो, तुमने वोट दिया क्या? अरे सबसे पहले दिया है। हमारा वोट अभी बाकी है मैडम, खाली 10 सेकंड बचा हुआ है, सोचिए ना। एक वोट, 10
9 8 आप हमारी बहू हैं, लेकिन बात यहाँ रिश्ते की नहीं, सोच की है, तरीके की है। मैडम सर की तरह हमें भी लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि अपराध को खत्म करना है। आप सिर्फ अपराधी को पकड़ती है, लेकिन मैडम सर अपराध को जड़ से खत्म करती है, इसलिए जीत उनकी ही होनी चाहिए। 5 4 3 2 एक हसीना मैडम जीत गए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम सर, ये फाइटिंग है। जीत का बहुत बहुत बधाई हो मैडम सर। शुक्रिया। जनता को आपका तरीका पसंद आया तो थाना भी आपके तरीका से ही चलेगा। हम भले ही एक वोट से रह गए हो, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आज से आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। दरगंज कैफे चलते हैं भाई, सबसे बढ़िया है, मजा आएगा ना। अरे बहुत, चलो। अरे एक मिनट, तुम सब लोग में से अनुज कौन है? मैं हूँ, क्या हुआ? कंप्लेन दर्ज हुआ है तुम्हारे खिलाफ। एकता नाम की लड़की है, वो आरोप लगाई है कि तुम उसको परेशान करते हो, पीछा करते हो, छेड़ते हो उसको। हाँ करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक हर। और ऐसी खूबसूरत चीज किसको पसंद नहीं आएगी। और तुम भी उसकी कंप्लेन को सीरियसली मत लेना। क्या है ना, लड़कियों का काम है पहले कंप्लेन करना, फिर बाद में ठीक हो जाना। इसीलिए मैं उसके आगे पीछे घूमता हूँ, उसे ड्रॉप करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। कितना ओछा और निम्न स्तरीय विचार है तुम्हारा बाबू। एकदम सही बोली थी तुम्हारे बारे में वो, कि तुम थर्ड क्लास का चीप घटिया सड़क छाप लड़का है। चल थाना चल, वहीं चल के बात। एक मिनट, क्या चाहिए? बोल। घूस दे रहा है हमको, हैं? सोचना अभी मत बेटा, हम वो पुलिस वाले नहीं है जो कागज के चंद टुकड़ा पर बिक जाए। चल लो चुपचाप। अरे नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे? अपने थाने से बाउंसर बुलाओगे या फिर तुम्हारी ऐसा ही करिश्मा सिंह? वैसे है कहाँ वो अभी? करिश्मा सिंह का बकाल तो वैसे वेकेशन पे चल रहा है। और वैसे भी तुम्हारी SHO हसीना मलिक नहीं तो उसको छुट्टी पर भेजा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ थाने चलूं, तो तुम अपनी हसीना मैडम की तरह ना थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, थोड़ी तमीज से। वो क्या बोलते हैं, तुम प्लीज करके बोलो कि प्लीज सर मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देख बाबू, शराफत से हमारे साथ थाना चल, वरना क्या क्या कर लोगे? तुम हो तो मामूली कांस्टेबल ही ना, जानते हो मैं कौन हूँ। अगर पता चलेगा ना तो ये वर्दी की ना हवा फुस हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे माँ बाप कौन है, कानून के लिए ना सब बराबर होते हैं। और जहाँ तक बात है मामूली कांस्टेबल का ना बाबू, तो कानून के हाथों मजबूर है, इसीलिए तुम जी रहे हो, तुम हमको बोल पा रहे हो। अगर थोड़ा भी छूट रहता ना, यही मामूली कांस्टेबल ना यहीं पर जिंदा गाड़ देता तुमको, समझ रहे हो? शराफत से हमेशा थाना चलते हो तुम, हैं? चल। ए, सोचना भी मत, नहीं तो इसके साथ ना तुम सब लोग को थाना में लेकर जाएंगे, वहीं पर मरम्मत होगा तुम लोग का, समझ रहे हो? देख क्या रहा है, मारना। देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हमारे साथ पुलिस थाने में हो और सुरक्षित हो। हाँ बैठो। और हमारे कांस्टेबल गए हैं ना चिता चतुर्वेदी उस लड़के को पकड़ने के लिए, बस लेकर आते ही होंगे, तुम्हें बस उसको पहचानना है। हाँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, पानी पियो। उसके बाद क्या 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 देख रही हैं?
ये हम देख रहे हैं लसाना। ठीक से देखिए, लहसुन होगा। रसोई घर में कुछ पता ही नहीं होता ना, क्या किसे क्या कहते हैं। पता है हमें, ये लसाना है। लेकिन लास वेगस तो सुना था नवाब जी के मुंह से, ये लसाना। मा, डोंट टॉक विद नवाब। नवाब साहब। नवाब साहब बोलू? बुजुर्ग है ना, इसलिए वो एक्सक्यूज मी, ये लसाना नहीं है, लज़ानिया। ये आउट ऑफ कंट्री डिश है, पास्ता डिश है, बाहर की डिश है, विदेशी डिश है। लेकिन करिश्मा मैडम लज़ानिया बनाएगी तो उसका लसाना ही होगा। लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। क्या बात कर रहे हैं विलिया, चलो इसी बहाने हमें हमारी बहू के हाथ का कुछ तो खाने को मिलेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहू को सद्बुद्धि देने के लिए। अब क्या है ना, कभी कभी लगता है हमारे जो लल्ला के फूटे हुए भाग है ना, वो थोड़े थोड़े खिलने लगे, वरना अब तक हमें लगता था हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताए तुमको, ज्यादा खुश होके चिरमिनाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ देख रहे हैं विधि की कैसा बनता है, बनाने नहीं वाले हैं। तो खुद के पैर पे कुलाड़ी मारेंगे क्या? गलती से बना दिया ना हमने लज़ानिया, तो फिर उसके बाद पुष्पा जी सुबह का शाम का दोपहर का खाना हमसे ही बनवाएगी, तो हम टोपा थोड़ी ना जो ये इनको ये गलत आदत डाले। तो फिर देख कह रही थी हमारे सामने। अरे तो और काम क्या है हमारे पास, कुछ काम ही नहीं, हम वेले हैं, हम फ्री बैठे हैं। जैसे बिना डंग के बिच्छू किसी काम का नहीं है, ऐसे बिना भौकाल के हम किसी काम के नहीं रह गए। हमारा भौकाल तो जनता ने पैक करा के एक साइड में डाल दिया ना मैडम सर को चुनके। तब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगा, इंसानियत के लड्डू बटेंगे, जज्बात की रसमलाई बनेगी, मुजरिमों को ये जज्बाती मिठाई खिलाई जाएगी, उनको डायबिटीज करा देंगे। कंटाप भी नहीं लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई कंटाप वंटाप नहीं होगा। वैसे एक तरीके से ठीक भी है, इसमें गलत क्या है। हम यहाँ आएंगे 9 बजे अपनी ड्यूटी पर, पूरा दिन यहाँ बैठेंगे, पूरा दिन ड्यूटी बजाएंगे, जैसे ही 5 बजेंगे ड्यूटी खत्म करके तुरंत घर के लिए लौट जाएंगे। यहाँ पे जिसको जिस भी तरीके से काम करना है वो करे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम किसी के फटे में टांग नहीं घुसाएंगे, हमने ये सोच लिया है। हाँ हाँ, जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या है ना कि आपके भौकाल की शायद कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन करिश्मा सिंह की जरूरत हमेशा रहेगी। इस थाने को आपके बिना, इस थाने का वजूद ही तसव्वुर करना नामुमकिन है। हमारी टीम आपके बिना अधूरी है। हाँ तो हम टीम से कहाँ दूर हो रहे हैं, हम टीम के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, पूरे जज्बा के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम अपनी टीम के साथ हैं और हमेशा रहेंगे मैडम सर। बस नजरिया बदल गया है, नजरिया जो है वो आप वाला हो गया है। यकीन दिलाते हैं मैडम सर कि अब आप करिश्मा सिंह के भौकाल का तूफान तभी देखेंगी जब आप ये तूफान दिखाने के लिए कहेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा करिश्मा सिंह, ये हमारा वादा है। जीते? जीते? जीते क्या हो गया? बिठाओ उसे, बिठाओ, बिठाओ। आराम से, आराम, आराम से। बहुत कुटा है शायद। किसने हाथ उठाया तुम पे, बताओ हमको उसका नाम। बताओ क्या हुआ मैडम? वो अनुज और उसका दोस्त लोग को लाने गए थे हम। हाँ तो बात कर ही रहे थे, वो सब समझ ही नहीं रहा था सब। मैडम बहुत मारा वो लोग हमको, हमको संभलने का मौका ही नहीं दिया वो लोग। हमें जवाब दे सकते थे मैडम, लेकिन कानून की वजह से हमारा हाथ बंधा हुआ था। वर्दी में अगर हम हाथ उठाते हम खुद ही गलत सिद्ध हो जाते मैडम। वो लोग को समझाए हम वर्दी में, पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं, अभी मत मारे यार। माना नहीं सब मैडम, खाली वो लोग मारता रहा मैडम। उसकी इतनी हिम्मत, वर्दी पर हाथ उठाया उसने। हाँ तो उठाएंगे ही ना, डर कहाँ है उनके अंदर। वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनको पता है एंड में उनको जज्बाती लड्डू ही मिलेगा। जुर्म और कानून के बीच में एक डर का दीवार था जो अब गिर चुका है, और जो ये जुर्म के कीड़े ना, ये बाहर निकल गए हैं, देखिए क्या हल किया है। मैडम सर आपने तो हमारे हाथ बांध दिए, अब हमें ये बताइए कि कानून के हाथ इसमें क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगी मैम, आपने तो अपना भोकाल भी छोड़ दिया, अब तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाएगा मुझसे, अब वो मुझे और परेशान करेगा। नहीं,
वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमने उसे छोड़ा है, छोड़ नहीं दिया है। हम अभी जाएंगे, उसे पकड़ के लाएंगे और उसके खिलाफ जो भी जरूरी कार्यवाही होगी वो करेंगे। चलिए पुष्पा जी। जी मैडम सर। बहुत कुटा है। चीते चलो चलो हॉस्पिटल चलो, बहुत लगा तुमको, डॉक्टर के पास चलो, चलो उठो उठो। हे चीते, निठल्ले। चीते चीते मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैडम सर उस लड़की को पकड़ के रहेगी, तुम्हारे सामने लाएगी और ऐसा ड्राई क्लीनिंग करेगी ना उसका, तुम्हारे ये सारे जख्मों को बदला लेगी मैडम सर, देखना तुम। हाँ लेंगी, मुंह तोड़ने की जगह मुंह में रसगुल्ले डाल के लेंगी, जज्बातों की रसमलाई खिला के लेगी। अगर हम होते ना उसकी जगह, मैया कसम हम उसका गर्दन पकड़ लेते, उसको टेबल पे गिराते, उसको लात मारते, इतना मारते, इतना मारते, इतना मारते, उसको मार मार के, मार मार के, मार मार के उसका मुंह सुझाते जब तक वो ये नहीं बोलता कि बात करो, बात करो। इतना मारते ना चीते, इतना मारते जब तक उसका बेड तुम्हारे हॉस्पिटल के बेड के पास नहीं होता। मुझे क्यों मार? ये डेमो था। लाइफ का मेमो है ये। चुप रहो। मैडम, हम ना उसको पिटता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारे में और उसमें फर्क है। तो बस इतना चाहते हैं कि वो हमारे वर्दी के साथ जो बदसलूकी किया, आपको जो अनाप शनाप बोला, इस गलती का आभास हो उसको, इस बात के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगे आपसे, हमसे, हम सब लोग से। हम सिर्फ इतना चाहते हैं मैडम। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ हॉस्पिटल, जाओ अपना ये पट्टी करवाओ, ठीक हो जाओ, जाओ लेके जाओ। चलो दोनों चलते हैं डॉक्टर के पास। मैम, आर यू श्योर कि वो लड़का पकड़ा जाएगा? अगर पकड़ा भी गया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है ना, और ये खुद ही कहता है वो खुलेआम कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम पकड़ा जाएगा। कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, तुम टेंशन मत लो। और तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे, ये हम तुमसे वादा करते हैं, और ये तो पूरा शहर जानता है कि हम अपने वादा का कितना पक्के हैं। अबे यार, कहाँ है मैं, क्या नहीं, कब से बोल रहा है, कब आएगा? भाई मैंने उसको कॉल किया है, तूने एक काम कर मेरी बाइक पे चल, और भाई यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, हमने पुलिस वालों के साथ पंगा लिया है मेरे भाई यार, और तू उनकी जात तो जानता है कैसी होती है। अबे यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, तुझे पता है ना तू मेरे साथ है, और जितना उस पुलिस वाले को हमने मारा है ना, वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा। चल फोन कर, बुला उसको। हाँ भाई, तुम दोनों में से अनुज कौन है? क्यों, क्या चाहिए? चलो हमारे साथ। कहाँ? थाने। तुमने हमारे पुलिस कर्मी पर हाथ उठाया है जो कि गैर कानूनी है, और अब कानूनन तुम पर कार्यवाही होगी जो कि तुम्हारे माता पिता के सामने होगी, चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, पहले उसने हम पर हाथ उठाया था। तो ठीक है, फिर ये तुम्हारा कन्फेशन है कि तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया था, चलो। ऐसा मैंने कब बोला? अभी अभी तो कहा। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब जो है ऑनरेबल जज को बताना, फिलहाल चलो। मैडम आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हैं, आपको पता है मैं किसका बेटा हूँ? अगर उन्हें पता चला ना तो आप सबकी वर्दियाँ उतर जाएंगी। एक काम करो, यही घटिया फिल्मी डायलॉग गाड़ी में बैठ कर देना। मैडम बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। यही है ना वो लड़का? डरो नहीं, बोलो। पुष्पा जी, चार्जशीट फाइल कीजिए। सेक्शन 354 मोलेस्टेशन, सेक्शन 509 हेरासमेंट, और तो और सेक्शन 353 एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट, बदसुलूकी और इंसल्टिंग बिहेवियर। और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी ऑफेंस के लिए इसे बेल ना मिले, यहाँ तक कि सख्त से सख्त सजा मिले, सख्त से सख्त कार्यवाही हो इसके साथ, और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट नहीं है। पछताएंगे तो आप लोग मुझे नहीं, अपना बैड लग यहाँ पे लेकर आए हैं। मेरी माँ,
आप सबकी माँ। देखना आप सबका कैसे बैंड बजाएगी। प्रतिभा सान्याल। हाई कोर्ट लॉयर अनुज की मां। क्या मैं जान सकती हूं कि मेरे बेटे को किसने और क्यों गिरफ्तार किया है? ये क्या किया आपने? वही जो इस एफआईआर के साथ होना चाहिए था। एसएचओ हसीना मलिक, इतने बड़े थाने की एसएचओ हो, इतना कानून भी नहीं जानती कि ये केस इनवैलिड है? इनवैलिड है? आपका बेटा न जाने कब से इस लड़की को परेशान कर रहा है, उसका पीछा करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे छेड़ता है, और तो और उसने एक ऑन ड्यूटी कांस्टेबल पर हाथ उठाया, उसे इतने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है, और आप कह रही हैं ये केस इनवैलिड है? क्या कोई सबूत है आपके पास? कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, या कोई बिलीवेबल आई विटनेस जो इस बात को प्रूव कर सके कि जो आप बोल रही हैं वो सच है? देखिए आप, पहले जरा आप देखिए मेरे बेटे का आईडी प्रूफ। देखिए जरा इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है। 2 हफ्ते पहले ही 17 का कंप्लीट हुआ है। ही इज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड, माइनर, अंडर एज, नाबालिग। ऐसे जो हैं आप, इतना तो कानून आप भी जानती होंगी कि बेलेबल क्राइम में माइनर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। एफआईआर हो सकती, ना उसे डिटेन किया जा सकता, और लॉकअप में तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। ये कानून के सख्त खिलाफ है। आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है, प्रतिभा सान्याल के बेटे को। अगर पूरे थाने का खाना खराब ना कर दूं तो कहिएगा। एक हमें बात समझ में नहीं आई प्रतिभा जी, आपका बेटा माइनर है मान लिया, तो किसी का भी इज्जत उतार सकता है वो? सरेआम किसी भी लड़की को छेड़ सकता है, किसी भी वर्दी वाले का अपमान कर सकता है? अपने तेवर कोर्ट के लिए संभाल के रखिए। मेरे बेटे ने क्या किया है और क्या नहीं, ये वहीं प्रूफ कीजिएगा। फिलहाल तो आपके सर पर जो है वो संभालिए। छोड़िए मेरे बेटे को अभी, इसी वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना बच्चा कुछ पेशेंस भी खो दूं। नहीं छोड़ा जाएगा, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। मिस मलिक, समझाइए ना अपने ऑफिसर को, बताइए उसे कि बात काफी बिगड़ चुकी है, अब अपनी ये पुलिस या धौंस देकर बात को और आगे ना बढ़ाए। 1 सेकंड लगेगा मुझे प्रूव करने में कि आपके इस पुलिस वाले ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए खुद पर झूठा हमला करवाया है। और इस सब में आप सब शामिल हैं, मेरे बेटे के जरिए उसके अमीर बाप के पैसे ऐंठने के लिए। कांस्टेबल के साथ जो हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ, और आप जो बोल रही हैं आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रही हूं उसे प्रूफ करने के लिए ये छोटा सा प्रूफ ही काफी है। कल ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होगी, रातों रात आपका थाना कहां गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सब के सब सस्पेंड। तुम्हारा थाना लखनऊ के लिए एक कहानी बनकर रह जाएगा। रिलीज माई सन राइट नाउ। छोड़ दीजिए लड़के को। चले। 1 मिनट, आपको नहीं लगता कि आपके बेटे को जाने से पहले कम से कम इस लड़की से और कांस्टेबल से माफी मांगनी चाहिए? माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को आपसे नहीं, आपको मेरे बेटे से, क्योंकि कानून तो आपने तोड़ा है।
एक माइनर को अरेस्ट करके उसे डिटेन करके उसे लॉकअप में बंद किया है। अगर कल 12 बजे तक पब्लिकली आप इससे माफी मांग लेती हैं, तो मैं आपके थाने पर कोई केस नहीं करूंगी, वरना तो आप मुझे जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूं। चलो बेटा। मैम, अब तो वो छूट गया, अब वो मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। नहीं करेगा, और करेगा भी तो हम हैं तुम्हारे साथ। एक कॉल करना, तुरंत वहां पहुंचेंगे। वादा करते हैं तुमसे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। आपने उसे कैसे जाने दिया मैडम सर? उसने हमारे चीते पे हाथ उठाया है, आपने कैसे जाने दिया? करिश्मा सिंह, वो एक माइनर है। वो अपराधी है मैडम सर, और अपराधी मानसिकता से होता है, उम्र से नहीं होता है। हाँ, लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता। वो सब हम नहीं जानते मैडम सर, ये वर्दी हमारा आत्मसम्मान है, कोई ऐसे बेइज्जत करके नहीं जा सकता हमारी आंखों के सामने। समझने की कोशिश करिए करिश्मा सिंह, हम उसे अरेस्ट करके वैसे ही एक बार कानून तोड़ चुके हैं। तो थोड़ा और हमको उसको तोड़ने देते, थोड़ा और कानून टूट जाता तो क्या चला जाता मैडम सर? करिश्मा सिंह, आप क्या कह रही हैं? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम कानून की हिफाजत करना है, कानून तोड़ना नहीं। और हमारी हिफाजत, हमारी वर्दी की हिफाजत वो कौन करेगा? ये सारे कायदे, ये सारे बंदिशे हमारे हिस्से क्यों आते हैं? हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो व्यस्क नहीं है, वो नाबालिग है। नाबालिग है तो उसको लाइसेंस मिल गया है क्या हमारी वर्दी का अपमान करने का? करिश्मा, आज आपने उसको छोड़कर मैडम सर उसकी अपराधी मानसिकता को बढ़ावा दे दिया है। तो क्या चाहती हैं आप, क्या करें, हम गुंडे बन जाएं? करिश्मा सिंह, हम पुलिस वाले हैं, जब हमने ये वर्दी पहनी थी तब हमने शपथ ली थी कि चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम कानून की रक्षा करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उसका पालन करेंगे, और वही कर रहे हैं हम। तो क्या कल आप इसके लिए उस लड़के से माफी मांग लेंगी मैडम सर? माफ कीजिए मैडम सर, मगर क्या आपको लगता है इसके बाद कोई भी अपने थाने की तरफ जिस सम्मान से आज तक देखता रहा, उसी सम्मान से देख पाएगा फिर से? तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास पुष्पा जी? अगर हमने उससे माफी नहीं मांगी तो वो ये थाना बंद करवा देगी, हम सबको सस्पेंड करवा देगी, और जिन लोगों को सच में हमारी मदद की जरूरत है, हम उनकी मदद तो कर ही नहीं पाएंगे। जो होता है हो जाने दीजिए मैडम सर, लेकिन आप किसी से माफी नहीं मांगेंगी। करिश्मा मैडम बिल्कुल सही कह रही मैडम सर, अगर आप माफी नहीं मांगी तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थाना बंद हो जाएगा। हो जाने दीजिए, हम सस्पेंड हो जाएंगे, हो जाने दीजिए मैडम सर, लेकिन इस जिल्लत के साथ तो ये नौकरी नहीं चाहिए मैडम सर, जब इस वर्दी का आत्मसम्मान ही ना बचा पाए हम। रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज माफी मत मांगिएगा मैडम सर।